Hello kids, welcome to your SST class. How are you all? I hope you are doing good and you are quite finding it interesting to read the SST lessons. कुछ ना कुछ नया हम हर क्लास में सीखते हैं और आज भी हम कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे. सो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक दैट इज़ जेली बीन जर्नीज बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशंस. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन चैप्टर नंबर 14, हेल्पर्स इन अवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी के जो हेल्पर्स हैं. ऑलराइट, सी चिल्ड्रन, वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरी वर्क ऑन अवर ओन. हम हर काम नहीं कर सकते. राइट, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें रोज़ किसी ना किसी काम में मदद करते हैं. अगर ये लोग ना हो तो हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और बिज़ी हो जाएगी. राइट, ये लोग हमारे काम को आसान करते हैं और हमारी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ करते हैं. तो आइए हम इन हेल्पर्स के बारे में जानते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्पर्स लाइक टीचर, डॉक्टर, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एंड डिलीवरी पर्सन. नाउ बिफोर वी बिगिन, देयर इज़ अ रीट्राइव एक्सरसाइज यू हैव टू डू. सी, देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ बिल्डिंग्स गिवन हेयर एंड हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. यू हैव टू मैच देम अकॉर्डिंगली. सो if we need to match them accordingly, then we will match, like the teacher will be matched with the school, the doctor will be matched with hospital, the police will be matched with police station, and the fire brigade will be matched with the fire station. All right, to ye matching aap khud karenge. Theek hai, let's begin with the chapter shuru karte hain. We live in a society and cannot live alone. हम एक सोसाइटी में, एक समाज में रहते हैं और क्या हम अकेले रह सकते हैं? नहीं, हम अकेले नहीं रह सकते. हमें किसी ना किसी की ज़रूरत है. We all depend on each other for something or other. हमें एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत है. हम सभी एक दूसरे पे निर्भर है. कोई कि हम किसी की मदद करते हैं, इसी तरह कई लोग हमारी भी मदद करते हैं. This is called interdependence. ये जो हम एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसको हम interdependence बोलते हैं. Okay? There is interdependence in almost everything people do. The relationship between a user and a service provider is the example of interdependence. यानी कोई कोई जब सामान यूज़ कर रहा है और जो उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, ये एक तरह का संबंध तैयार करता है एंड इसी संबंध को हम इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं. ठीक है, अवर हेल्पर्स, वी डिपेंड ऑन मेनी पीपल हु हेल्प अस इन अवर डेली लाइफ. हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कई लोग हमारी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम इन अ बेटर वे. सबसे पहले आते हैं टीचर. आप सभी स्कूल जाते हैं. क्यों जाते हैं? ताकि आप एजुकेटेड हो सके, यानी आप शिक्षित हो सके, आपको नॉलेज मिल सके. लेकिन ये नॉलेज आपको कौन देता है? ये नॉलेज आपको टीचर्स देते हैं. आपके जितने भी गुरु हैं, शिक्षक हैं, जो आपको स्कूल या घर में पढ़ाते हैं, वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अ स्कूल इज़ अ प्लेस वर चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन. स्कूल में आपको शिक्षा मिलती है. The person who provides this education is called a teacher. Teacher plays a crucial, yani important role in our overall development, helping us grow in various aspects of life. Teacher sirf hame kitabi baatein nahi sikhata, wo hame life ko kis tarike se jeena hai, logon se kis tarike se behave karna hai, kya vyavhar rakhna hai, kaise uthna baithna hai, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी बातों का ज्ञान कराता है. ऑलराइट, दे टीचर्स हाउ टू रीड एंड राइट एंड गाइड अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड. ये हमें पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं और सही गलत में फ़र्क करना भी सिखाते हैं. अ टीचर इज़ मोर देन जस्ट अ एडुकेटर. दे आर अ मेंटर शेपिंग अवर कैरेक्टर एंड फ्यूचर.
एक टीचर सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करता, वो हमारा चरित्र का गठन करता है, उसका निर्माण करता है। यानी हम आगे चल के जो भी बनते हैं वो सब हमारे बड़े और हमारे गुरुओं का ही योगदान है। टीचर ऑल्सो एनकरेज अस टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग, सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स। दे इंस्टिल गुड हैबिट्स एंड वैल्यूज, टीचिंग अस टू हेल्प दोज हु आर इन नीड and also teachers to treat everyone with respect and equality. Teachers हमें कई सारे शिक्षा देते हैं, अलग अलग तरह की अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे कि हमें लोगों के साथ प्यार और सम्मान से बात करना चाहिए, किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। We should always try to help others, जिसको ज़रूरत है उसकी हमेशा मदद करते रहने चाहिए। अगर हम में कोई कैपेबिलिटी है, हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है, तो टीचर हमें वो काम करने के लिए और ज़्यादा जो है प्रोत्साहित करता है, यानी हमें मोटिवेशन भी करता है। ऑल स्टूडेंट्स आर लव्ड एंड केयर्ड बाई देयर टीचर्स एंड इन रिटर्न वी शुड ऑलवेज शो रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू देम। हमारे सभी टीचर्स हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और इसकी वजह से हमें भी बदले में उनको प्यार और सम्मान देना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए। डॉक्टर, अ डॉक्टर इज समवन हु ट्रीट्स सिक पीपल एंड टेक्स केयर ऑफ अवर हेल्थ। व्हेन वी आर इंजर्ड और अनवेल, द डॉक्टर प्रोवाइड्स मेडिसिन एंड केयर ऑफ एन अप्लाइंग बैंडेजेस टू वुंड्स। डॉक्टर भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हेल्पर है। डॉक्टर्स हमें कई तरीके से हेल्प करते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें चोट लगती है, तो हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो हमारी बीमारी के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। वो हमें मेडिसिंस देते हैं और हमें तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को ठीक कर सकें। इस तरीके से वो हमारी जान भी बचाते हैं और हमें हमारी देखभाल भी करते हैं, हमारा केयर भी करते हैं। They explain the reasons behind our illness and offer advice on maintaining hygiene to stay fit and healthy. Doctors also vaccinate us to protect against diseases. Doctors हमें नए नए तरीके बताते हैं ताकि हम हेल्दी रहें, हम बीमार ना पड़े, और इसके अलावा डॉक्टर्स हमें तब टाइम टू टाइम वैक्सीन भी लगाते हैं ताकि हमें महामारी या किसी तरह की खतरनाक बीमारी ना हो, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। ओके, इन रूरल एरियाज एवरी बिग विलेज यूजली हैज़ अ डिस्पेंसरी स्टाफ्ड बाय वन और मोर डॉक्टर्स। फॉर लार्जर रीजन्स देयर आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू सर्व ग्रुप ऑफ विलेजेस। सिटीज ऑन द अदर हैंड आर इक्विप्ड विद न्यूमरस हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पब्लिक। जो रूरल एरियाज हैं यानी गांव हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज होती हैं जहाँ पे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि गांव वालों को बीमारियों से ठीक किया जा सके। और जहाँ तक शहरों की बात है तो वहाँ तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, वहाँ बहुत तरह के प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ लोग बीमार होने पर जा सकते हैं और अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। अब हम आते हैं पुलिस। पुलिस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग अवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। हमारी जान और हमारी चीज़ों का देखभाल करना पुलिस और पुल का काम है। ठीक है, पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन दोनों ही इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। हमें सेफ्टी मिल सके, शहर में लॉ एंड ऑर्डर ठीक से चल रहा हो, कोई कानून ना तोड़े, झगड़े ना हो, कोई किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी तरह का किसी का नुकसान ना हो, ये सभी कुछ देखना पुलिस का काम है। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कम्युनिटी एंड अरेस्ट दोज हु वायलेट द लॉ। जो लोग कानून नहीं मानते, कानून तोड़ देते हैं या फिर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई क्राइम करते हैं, उनको पुलिस पकड़ लेती है। ड्यूरिंग इवेंट्स सच एज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स द पुलिस प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग क्राउड एंड एंश्योरिंग एवरीवन सेफ्टी। आपने देखा होगा जब भी आप किसी मेले में जाते हैं या कोई फेस्टिवल का सीजन होता है तो जगह जगह पे जो है पुलिस पहरा देती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि भीड़ में कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। अगर आप बाई चांस कहीं पे खो जाएं तो वो आपको सही तरीके से अपने घर पर पहुंचा दे। राइट, इफ़ अ चाइल्ड इज लॉस्ट और समवन नीड्स हेल्प द पुलिस आर देयर टू असिस्ट।
In times of need, we can always rely on the police to be our friend and protector. हमें हमेशा पुलिस को अपने दोस्त या प्रोटेक्टर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं. कभी भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले जाकर हमें पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए. Now we come about the special segment of police, that is traffic police, जो roads पर traffic का काम देखती है. The traffic police are responsible for managing the flow of vehicles on the road. अगर vehicles ठीक से नहीं चलेंगे सड़क पे तो या तो traffic jam हो जाएगा या फिर road accidents होंगे. ऐसा ना हो इसीलिए traffic police का तत्पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. They ensure that drivers and pedestrians follow traffic rules and penalize those who break them. सभी लोग traffic rules को ठीक से माने ताकि कोई accident ना हो या किसी तरह का over speeding ना हो, किसी को चोट ना लगे. अगर कोई rules को break करता है तो उनको penalty और fines भी दिए जाते हैं. By doing so, they prevent accidents and maintain the order on the roads. ये ऐसा करने से वो लोग एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं और साथ ही में रोड में कोई झंझट ना हो, कोई जाम ना लगे, इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं. फन फैक्ट, एवरी ईयर मार्च 13 इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल डॉक्टर्स डे अक्रॉस द नेशन. डॉक्टर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए, उनका जो हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, एवरी ईयर ऑन मार्च 13 we celebrate National Doctors Day. All right. Delivery person, हमें कुछ भी चाहिए होता है आजकल हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, राइट? ये सब हमें दुकान से कौन पहुंचाता है, हमारे घर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? डिलीवरी पर्सन. तो डिलीवरी पर्सन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. भूख लगी है, जोमैटो खोल लो, स्विगी कर लो. पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज में बोलो, डोमिनोज का डिलीवरी बॉय आकर देके जाएगा. कोई सामान मंगवाना है तो अमेज़ॉन का कुरियर पर्सन आकर देके जाएगा या फिर ब्लिंकिट का पर्सन आकर देके जाएगा, राइट? तो ये जो डिलीवरी पर्सन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये हमारा टाइम सेव करते हैं, हमारी लाइफ को और ज़्यादा ईजी कर देते हैं, राइट? अ डिलीवरी पर्सन इज़ एन इंडिविजुअल हु ब्रिंग्स गुड्स डायरेक्ट टू अवर डोरस्टेप, यानी हमारे घर तक ये लोग सामान लेके आते हैं. Thanks to their efforts, we no longer need to visit shops to purchase things. हमें घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, हम आराम से घर बैठ के ऑर्डर कर देते हैं और ये लोग सामान लेके आ जाते हैं. They have made our life more convenient by allowing us to order items such as food, clothes, medicines and more, either over phone or through internet. यानी हम फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर करके कुछ भी मंगवा सकते हैं. मेडिसिन्स हो, फूड हो, घर का कोई सामान हो, कुछ भी हम ऑर्डर करते ही हमारे पास कुछ ही मिनटों में या कुछ ही दिनों में पहुंच जाता है. दीज आइटम्स आर डिलीवर्ड टू अवर होम क्विकली एंड एफिशिएंटली बाय द डिलीवरी पर्सन्स. दे मेक अवर डेली टास्क ईजियर एंड मोर मैनेजेबल. ये जो डिलीवरी पर्सन्स है ये हमारे रोज़ की ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान और ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं, मैनेजेबल कर देते हैं, ठीक है? तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स पढ़े, जिन वर्ड्स को हमने पहले शायद नहीं पढ़ा था. आइए एक बार और इनको समझ लेते हैं. पार्सल, पार्सल का मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पेपर में प्रॉपर तरीके से कवर्ड या रैप्ड है, जो पोस्ट के थ्रू हमारे घर तक आया है, यानी मेल या कुरियर सर्विस के थ्रू हम तक पहुँचाया जा रहा है. वुंड यानी चोट एंड इंजरी वेयर द स्किन इज कट, जब स्किन छिल जाती है, ओके? डिस्पेंसरी अ प्लेस इन अ हॉस्पिटल वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट, हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं या बनाई जाती हैं. एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग स्पेशली इन स्कूल्स. ऑल राइट, लेट्स लुक ओवर वॉट ऑल वी स्टडीड इन दिस चैप्टर. डिपेंडिंग ऑन ईच अदर इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर करने को इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं. अवर टीचर्स टीचर्स वैल्यूज एंड गुड मैनर्स. अ डॉक्टर एग्जामिन्स एंड ट्रीट्स अस व्हेन वी फॉल इल. द पुलिस प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी. एंड लास्ट, द डिलीवरी पर्सन्स हैव मेड अवर लाइफ मच मोर ईजियर. ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस. देखते हैं हमें चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है. फर्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स अस नॉलेज, हमें नॉलेज कौन देता है? हमें नॉलेज टीचर देता है. ऑल राइट, हु मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया?
पुलिसमैन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुलिसमैन जो है एरिया का लॉ एंड ऑर्डर देखता है. हु गिव्स अस वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट अस फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग डिजीजेज, अगर हमें डिजीज ना हो इसके लिए कौन वैक्सीनेट करता है, डॉक्टर. फोर्थ, अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर कहाँ काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. द डैश डायरेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ट्रैफिक का मूवमेंट या व्हीकल्स का मूवमेंट कौन देखते हैं, द ट्रैफिक पुलिस. ओके, नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज एक्सरसाइज नंबर बी. फर्स्ट वन, अ डैश इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन. अ स्कूल इज अ प्लेस, स्कूल में लोग एजुकेशन करते हैं ना, तो स्कूल इज अ प्लेस. सेकेंड वन, द रिलेशनशिप बिटवीन अ यूजर एंड अ सर्विस प्रोवाइडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस. All right. Third one, the dash looks after our health. हमारी health की देखभाल doctor करते हैं, so the doctor looks after our health. Next, fourth, every big village has a dispensary. Dispensary or a healthcare center. All right. Fifth, doctors vaccinate us to protect against diseases. All right. Now let's do match the following. Teacher, teacher teaches us values. Teacher जो है हमें values teach करते हैं, है ना? इसके बाद आते हैं police. Police basically protects our life and property, हमारी जान और हमारी property की रक्षा police करती है. Delivery person, delivery persons delivers the things to our doorstep, हमारे घर तक सामान पहुँचाते हैं. Traffic police, traffic को direct करते हैं, तो directs traffic. And interdependence का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर करना, यानी depending on each other. So have we have done all the exercises, I hope that you have done them. Let's move to the next. Now we have question answers. This is something to be done by your own. आप ये खुद करेंगे. मैं hints दे देती हूँ quickly. First one, why do we need a doctor? We need a doctor when we fall sick. The doctor treats us with medicine and helps us to recover fast. Second, how do teachers help us? Teacher help us in many ways. They teach us how to read and write, and they also help us to learn different kinds of values. They also teach us to differentiate between good or bad. Third one, how do doctors help the sick person? The doctors help the sick person by treating them with medicines and taking care of them. They also tell them why they have fallen sick and how to prevent those things so that they do not fall sick again. Also, from time to time they vaccinate us so that we do not catch any kind of injuries or diseases. How are we dependent on delivery person? We are dependent on delivery person because delivery person helps to deliver the different kinds of products and goods to our doorstep. A delivery person saves our time and makes our life more efficient, easy and manageable. All right. Why should we respect our teachers? We should respect our teachers because they not only teach us to read and write, but they also shape our character. They help us to grow in life. They make us understand what is right and wrong. So that is why हमारी life में हमें teachers के लिए हमेशा grateful और thankful होना चाहिए. Sixth, how does police help us? Police helps us to maintain law and order in the city. It also helps us by protecting us and our property. है ना? Police जो है law and order भी maintain करती है और property और हमें भी बचाती है. Okay? So children, we have discussed these questions. I hope that you have understood these. Now you would be able to do them in your notebook easily. So with this, we finish with today's session. I hope children that you have understood the importance of the people who help us in different work during the day. And next time, whenever you meet them, you must help these people and show your gratitude. आपको इन्हें हमेशा thank you बोलना चाहिए और बहुत respect के साथ इनके साथ व्यवहार करना चाहिए.
So, children, I will again meet you with a new lesson of your book that is Jelly Bean Journeys very soon. So, stay tuned for the upcoming video. Till then, enjoy and bye-bye and take care.